हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी जो पुरानी लाख की चूड़ियाँ होती है जिनका पहनने से कलर फेड हो जाता है और वो थोड़ी वाइट वाइट से दिखने लग जाती है, तो उनको हम फिर से नया जैसा कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके घर पर सिंपली नेल पेंट मिल जाती है, तो उसका यूज़ करके आप इनको नया बना सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज़, आप और फेविक्रिल के ये जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं उनका यूज़ करके भी आप इनको नया जैसा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फेविक्रिल वाला कलर यूज़ कर रही हूँ और आप चाहें तो नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये देखिए, ये जो मेरी चूड़ी थी उसको मैंने कलर करके इस तरह से रेड कलर में बना लिया है, और ये मैरून कलर था और वो भी फेड हो गया था। तो इस तरह से आप भी घर पे बना सकते हैं। जस्ट आपको सिंपली नेल पेंट या फिर कलर को लेना है और कोई भी ब्रश ले सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा ब्रश नहीं है तो आप नेल पेंट वाला ब्रश भी ले सकते हैं, और इस कलर को ऐसे लिया और इस पर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है वो धीरे धीरे इसके ऊपर, ये मेरा ब्रश है वो गीला था, पानी लगा हुआ था इसके ऊपर, तो इसलिए थोड़ा चिपक नहीं रहा इसके ऊपर। और इस तरह से आपको पूरी चूड़ी के ऊपर अप्लाई करना है और इसको अच्छे से सूखने देना है। और इसके, अगर आप ये फेविक्रिल वाला कलर यूज़ कर रहे हैं तो इस पर तुरंत आपको पानी से नहीं धोना है, बिकॉज़ ये कलर थोड़ा सा दो तीन दिन के बाद में ही अच्छे से स्टिक हो पाता है, तो तुरंत इसके ऊपर पानी मत यूज़ करना। और ये जो कलर है ये फेविक्रिल वाले, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको अप्लाई करते हुए पूरी चूड़ी पे, और आपको ध्यान रखना है ये जो आपके स्टोन्स है अगर इनके ऊपर कलर लग रहा है तो आप इनको फिर से पोंछ लें और इनको इनके ऊपर कलर ना लगने दें। बाकी आप पूरी चूड़ी के ऊपर इस तरह धीरे धीरे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और सूखने के बाद में आप इसके ऊपर एक या दो कोटिंग और कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चूड़ियों को, ये देखिए इसमें और इसमें कलर में डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो इस तरह से आप भी अपनी चूड़ियों को नया जैसा बना सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे दो चैनल और हैं, आरती राठौर डिज़ाइनिंग एंड राजावत पैसा डांस, उनको भी सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आरती राठौर ऑफिशियल। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खामा गणी, बाय, टेक केयर।